खत्म हो गया। आप लोगों की काफी दिन से प्रिपरेशन चल रही थी बहुत सारे लोग एक साल से प्रिपेयर कर रहे थे कुछ लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया था कुछ चार पांच महीने से कर रहे थे uh, but, uh, overall, जिस तरह का का या का या का लोगों uh, या नहीं मिला है इस एग्जाम से दैट इज बट ऑबियस देर फ्यू रीजन फॉर दैट लेट बी आई आउट दैट फर्स्ट डेफिनेटली दिस इज दी टफेस्ट पेपर ऑफ Over ओवर past nine years

और जब पेपर टफ हो जाता है देन यू आर नॉट एबल टू यू सी यूर सेल्फ दैट यू आर नॉट एबल टू हिट दैट स्कोर दैट यू हैव टारगेटेड सो वो एक्सपेक्टेशन परेशान करता है अदर वॉज अन बाद में वॉट हैपन्स एक्सपेक्टेशन कि वेन यू कम बैक जब आप फिर सोचते हो तब आप थोड़ा रियलाइज करते हो कि पेपर टफ तो था बट उतना भी टफ नहीं था जितना कि अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाए यू कूड हैव आंसर्ड मेनी क्वेश्चन बट वो एक्सपेक्टेशन था कि टिस्नेट आसान होता है स्कोरिंग होता है सेवेंटी के अब जाना है All those things were not able, you were not able to intune yourself during the exam. So that hurted everyone. So overall sabki preparation kharab gayi hai अब uh, most of you would agree ki that you would have performed better. अगर आप paper पता रहता कि थोड़ा tough होगा या इस तरह का होगा या कुछ पिछले साल में इस तरह के paper आए होते तो definitely many of you would have performed better. बट क्योंकि परफॉर्मेंस सबकी ही गिरी है तो डेफिनेटली इज नो ऑफ डाउट डेफिनेटलीउट भी गिरेगा आल कम टू कट आउट बिकॉज आई हैव कलेक्टेड प्लस डेटा पास्ट ईयर के डेटा uh, को देखा बिकॉज पास्ट ईयर भी ऐसे कुछ सर्वे किए हैं एंड एट द सेम टाइम पास्ट ईयर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी डेटा है सो वर्किंग ऑन दिस फॉर द लास्ट टू डेज आई हैव कम अप विद अ डिटेल्ड एंड स्टैटिस्टिकल डेटा है इट्स नॉट कि मेरा परसेप्शन वाइज है कि तुरंत एग्जाम हो और बता दे रहे कि इतना जाएगा

जो इजी क्वेश्चन था उसमें भी आप सही से मार्क नहीं कर पा रहे आर नॉट कमिंग अकॉर्डिंगली सो क्रॉस वेरिफिकेशन रीडिंग दी स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन इफ यू आर मिसिंग आउट समथिंग एंड नॉट एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन सो वो प्रॉब्लम हुआ है जो कि थोड़ा परेशान किया है स्टूडेंट को बट ऑल सड एंड पेपर जैसा था वैसा हुआ एग्जाम हो गया है लेट्स कम टू द डेटा सो लगभग एक हजार डेटा लिया है आप लोगों ने ही सबमिट किया है अक्रॉस वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप्स एंड ऑल एंड देखा गया है कि किस रेंज में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा फील हुआ होगा किस तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को फील किया होगा कम्पलीट लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द कट ऑफ इज गिवेन अब क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं इतने सारे ब्रांचेस हैं टेस्ट के एट द सेम टाइम कैटेगरी का भी है तो सब चीज को रख के काफी चीजों को देख कर डिटेल्ड लिस्ट है इफ यू आर हिटिंग अराउंड दैट कट ऑफ मार्क वन थिंग ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ अनसर्टनिटी होती है कुछ अनएक्सपेक्टेड uh, चीजें हो जाती हैं बट इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा होने की चांसेस कम होते हैं सो so स्टिल 50 परसेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज रिमेनिंग सो इफ यू थिंक दैट यू आर एबल टू और यू आर क्लियरिंग दैट एक्सपेक्टेड कट ऑफ विच आर लिस्टेड ओवर देयर प्रॉपर लिंक है देख लो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में start your OPI preparation. If you want to take a few day break to relax, energize होकर आप prepare करना चाहते हो तो करो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि OPI preparation और next time पूरे की preparation आप नहीं करते हो आप बहुत normally लेकर चलते हो and it does not happen over time definitely this 20% extempore it will not happen over time uh, I matlab, mean, instantly in a short period of time सिमिलरली ओपीआई बोलकर तो आते हो बट कितना रिलेवेंसी रही है आपने क्या बोला है क्या पूछा गया है वट वॉज देशन विल डिस्कस दीट ओपीआईन वी हैव कोर्स फॉर दैट वी आर ऑल्सो रिलैक्सिंग फॉर सम डेज विल कम अपर्स वेरी शॉर्टली एंड डिटेल में वहां पर बताएंगे मगर इफ यू आर क्लियरिंग दी कट ऑफ और दट ऑफ उस रेंज में हूँ तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग गेट एन एडवांटेज की अभी लगभग एक महीना या एक महीने से कम में रिजल्ट आने वाला है over that period of time you start your preparation at least you get a fair idea about what is the scope of the course that you have applied what are the scope of the question that could be asked according to your profile and so on दैट सेट दैट वॉज ऑल टू डिस्कस आई नो की डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा हैं हर एक सेक्शन टफ रहा इनफैक्ट जीके का सेक्शन भी काफी टफ रहा वो अगर पास्ट में गए मतलब स्टार्टिंग जीके में गए तो बहुत ही डिटेल में चले गए करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था तो उसके भी बहुत ही इन डिटेल यू नो इट वॉज मैचिंग किस तरह से यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन फ्रेम करने लगे जैसे एन एफ एच एस का क्वेश्चन था एंड मैनी अदर क्वेश्चन सो इट वॉज फॉर एवरी वन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सो सिमिलरली मैथ्स में मैथ्स का भी लेवल थोड़ा टफ रहा इंग्लिश में कॉम्प्रिंशन वॉज ऑल्सो वेरी ट्रिकी ओके दो इट वॉज ईजी टू रीड बट ऑप्शंस वेरी ट्रिकी मोर ओवर इन्फ्रेंस बेस्ड और उस पर भी नॉट लगा हुआ तो टाइम लगा है सारे लोगों का एग्जाम उस तरह से नहीं गया जिस तरह से आपने सोचा था तो ये प्रॉब्लम भी रहा एंड डेफिनेटली देर इज नो आईट ऑफ डाउट कि कट ऑफ कम होगा राइट right? so go see the list also in that list uh, we have an open group uh, for extempore and opi preparation if you think that you are hitting to that mark of whatever course that you have applied join that group you'll keep will keep updating about everything re related to the interview preparation